उदयपुर के टीडी थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने अपनी बीवी के चरित्र पे शक के चलते उस पे फायर कर दिया। घटना रविवार सुबह 7:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें टीडी थाने पे तैनात कांस्टेबल मुकेश थाने की ही एक रिवॉल्वर से अपनी बीवी पर फायर किया। हालांकि गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई, जिसमें वो घायल हो गए और उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बीवी पर फायर करने के बाद आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया है। उदयपुर एसपी भुवन भूषण से मिली जानकारी के अनुसार कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब जल्दी ही उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी चलाई जाएगी और उसको सस्पेंड किया जाएगा और इस बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी कि उसने किन कारणों के चलते अपनी बीवी पर फायर किया है। आपको बता दें कि उदयपुर के टीडी थाने में तैनात कांस्टेबल मुकेश बीवी पर रविवार सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में फायर किया है। उसे अपनी बीवी के चरित्र पर डाउट था और उसी के चलते उसने अपनी बीवी पर फायर किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी कारणों का कोई स्पष्टता से सामने नहीं आए हैं कारण, और इसके बारे में पता लगाया जाएगा। हालांकि अभी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर